एक तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी है, आप भी पंजाब पर खासे काम कर रहे हैं, उधर जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी आए दिन वहाँ पर मौजूद होते हैं, मुलाकातें कर रहे होते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आपका एक बड़ा बुनियादी सा मौक़िफ था, वो फिर कहा गया जरदारी साहब का ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को करेंगे, तो कुछ हल हुआ है या अभी भी मौक़िफ और चीज़ें वही हैं जो माजी में थी? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन का माहौल और सीज़न आ गया है और तमाम लोग जो हैं वो दावे भी कर रहे हैं वतन वापसी के लिए पर तोले जा रहे हैं, लेकिन आपको वो भी याद होगा कि लेवल प्लेइंग पे आने से पहले मैं थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात करें तो यही अक्टूबर का महीना था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वतन वापस आ रही थी तो उस वक्त एक ऐसे शख्स की हुकूमत थी जिसने बीबी जब वापसी का इरादा किया तो उन्हें बार बार ये मैसेज दिया गया कि आपकी जिंदगी की जमानत नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि आज जमानतों पर जमानतें हो रही हैं, तो इस तरह का आना और वो आना वो एक महबूब लीडर की आमद थी और आपने देखा कि उनका किस तरह वालेहाना इस्तकबाल हुआ और फिर जो जिंदगी की जमानत नहीं दे रहे थे, जो बार बार धमकी दे रहे थे, उन्होंने उनकी जिंदगी छीनने की कोशिश की और हमारे सैकड़ों जियाले जो है वो जाम शहादत नोश कर गए। तो 18 अक्टूबर एक तरफ आमद है और दूसरी तरफ एक वो लीडर जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड देख कर वतन वापस आने की कोशिश करता है और जब मुश्किल हालात होते हैं तो कभी प्लेटलेट्स, कभी बीमारी और कभी एग्रीमेंट करके वतन से चले जाते हैं। तो लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर वो होते हैं जो तमाम तरह नामसाइद हालात का मसाइब का सामना आवाम के साथ रहकर करते हैं। नंबर टू आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, तो आप अभी भी देख लें कि पीपल्स पार्टी की जो डिमांड थी वो ये थी कि आप इलेक्शन जो है वो 90 डेज में कराएं, जो आईने पाकिस्तान कहता हम नहीं कहते। और ठीक है, इलेक्शन कमीशन की मजबूरियां थी, डिलिमिटेशन था, सेंसस था, तो उसके मुताबिक हमने उन इदारों की मजबूरी को समझते हुए उनके साथ लबैक का। लेकिन ये जो पहले दिन हमारा ये था कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाए, इलेक्शन की डेट अनाउंस की, जो कि नहीं की गई, और आज भी हमारे तहफ़ुज़ात उसी तरह हैं, हमारे रिजर्वेशन उसी तरह हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि PMLN को किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और पीपल्स पार्टी के साथ जो हो रहा है, सिंध के तमाम डेवलपमेंट फंड रोक दिए गए, सिंध के साथ मुस्तकिल ज्यादती की जा रही, तो आईनी पाकिस्तान हर पार्टी को मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का राइट देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।